आजमगढ़ जिला पंचायत क्षेत्र के फरिया में आज AIMIM पार्टी का कार्यालय भव्य तरीके से प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के हाथ द्वारा किया गया। वहीं पर मीडिया से बातचीत करते हुए समय प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा, आज फरिया में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। मोहम्मद राजीव की रिपोर्ट। उम्मीदवार है और इस इलेक्शन को हम लोग छोटा इलेक्शन नहीं बल्कि 2022 का सेमीफाइनल इलेक्शन मान करके चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा ज़िला पंचायत अध्यक्ष बनाने में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बहुत अहम भूमिका होगी। बगैर हमारी भूमिका के कोई यहाँ पे ज़िला पंचायत अध्यक्ष नहीं बन पाएगा। तमाम पार्टियाँ अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, अपने आप उतारे हैं, निर्दल भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या जनता का झुकाव किस तरफ जा रहा है? देखिए, जनता का झुकाव MIM पार्टी के साथ है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को दबा कुचला वंचित समाज मुसलमान अपना लीडर मान चुका है। निर्दल जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, उन निर्दल प्रत्याशी का मकसद सिर्फ वोट को काटना है, डिवाइड करना है। उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती, अपने जाति मफाद के लिए वो चुनाव लड़ते हैं। और पार्टी के जो समर्थित उम्मीदवार हैं, इनको आवाम को चाहिए कि इनको वोट करें, क्योंकि इंडिविजुअल किसी को मजबूत करके कोई समाज मजबूत नहीं होता है, बल्कि आप अपनी पार्टी को मजबूत करिए, अपने लीडर को मजबूत करिए, अपने झंडे को मजबूत करिए। पार्टी के समर्थित उम्मीदवार के साथ आवाम को आना चाहिए और मैं देख रहा हूं कि खलीक अहमद फराही साहब की जो आवाम में मकबूलियत है, क्योंकि ये सोशल वर्कर भी बहुत पुराने हैं और हमेशा इन्होंने गरीबों की, पिछड़ों की, दलित समाज या मुसलमानों की पूरी तरीके से इन्होंने हर मौके पर मदद की है। मुझे लगता है कि इस मरतबा फरिया की आवाम उस चीज़ को समझेगी और चूँकि इलेक्शन एक दिन का होता है और पांच अभी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हमारी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है जिला पंचायत के, क्या भूमिका है आपकी जो इस फरिया के जिला पंचायत क्षेत्र में से आप इनको कैंडिडेट, क्या भूमिका लेकर लड़ाएंगे आप लोग चुनाव? देखिए, पिछले 30 दिनों से मैं लगातार इस कंस्टिट्यूएंसी में गांव-गांव डगर-डगर जनता की मिल रही स्नेह और प्रेम का भाई रहूँगा। हर वर्ग का वोट हमें मिल रहा है, हर समाज के लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं, हमेशा सबको मोहब्बत दे रहे हैं। लगभग रोज 10 से 12 गाँव में आना जाना होता है, हर वर्ग के लोग का साथ मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि जनता सही निर्णय लेगी। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, सारे लोग लड़ रहे हैं, हम सबका सम्मान कर रहे हैं। हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, हमें आशा है कि लोग वैसे साथ रास्ता रख करके खरीद साथ को भाई से भाई प्रचंड बहुमत से बढ़िया की चिट्ठी निकाल सकते हैं। जीतने के बाद अब जनता हक में क्या करेंगे? जैसा कि मैं जानता हूँ, 35 साल का खरीफ साहब ने विदेश में बड़े पद पर इसके विभाग में थे और 35 साल से कंटिन्यू सोशल एक्टिविटीज इनकी बनी रही, जिसका सबसे बड़ा कार्यक्रम यह है कि सर्वधर्म सामूहिक विवाह जो होता है सराय में, जो पूरे प्रदेश में जाना जाता है, उस कार्यक्रम के अध्यक्ष जो 5 साल से लगातार हो रहा है, सरायगीर महोत्सव होता है उसके आयोजक रहे, बड़े बड़े जो भी सामाजिक काम होते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट, मुशायरे, उर्दू अदब की खिदमत के लिए तमाम जितने भी कार्य तक हुए उनका बड़ा योगदान रहा है। बच्चे बीच में रहते हैं, वही चुनाव जिताने की